वृंदा गोवर्धन, अभी प्रश्न होता है ये यहाँ पर वृंदावन में कैसे आ गए, पहले तो ये सालमल दिन में थे, यहाँ कैसे आ गए। इनकी दो कथा पुराण है। एक कथा आती है, जिस समय भगवान राम माता सीता को उद्धार करने के लिए पूर्व बांध रहे थे, हनुमान जी ने देखा जल्दी से जल्दी पुल बंध जाए और माता सीता की उद्धार हो जाए। पुल जल्दी कैसे बंधेगा, अगर बड़े पत्थर ले आए, नाग नील उसको स्पर्श करते थे, हनुमान जी उसको ऊपर में राम का नाम लिख करके जब छोड़ते थे, ये स्वयं तैरता था। हनुमान जी देखे बड़े से बड़े पत्थर कहीं था, उड़ते उड़ते चले गए सालमल दी और वहां पर गिरिराज गोवर्धन को देखा। अगर बोले इसको अगर मैं ले जाऊँ ना जल्दी जल्दी पुल बन जाएगा। हनुमान जी उल्टा हाथ उठाए, बोले जय श्री राम बोल करके पूरा ये गिरिराज गोवर्धन को हाथ उठा लिया। उड़ते हुए जब जा रहे थे, इतने में ये पुल बांधना समाप्त हो गया। भगवान राम बोले बंदर को बोल दो जो जहाँ से पत्थर ला रहे हैं वो पत्थर को वहीं पर रख ले। इतने में उन्होंने गिरिराज को रख दिया वृंदावन में, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन जब वहाँ पर रख लिए, इतने में गिरिराज से दुखी हो गए, बोले आप मेरे को इतने दूर से लाए हो, अगर थोड़ी दूर तक ले जाते तो कम से कम ठाकुर का सेवा में तो लगता, प्रभु चल करके जाते, मैया सीता की सेवा में लग जाता, मेरे को क्यों यहाँ पर रखे। रोने लग गए। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, अभी तक तुम थोड़ी सी सेवा करता, लेकिन यही राम ही द्वापर युग में श्याम बन करके आए, यहीं पर ठाकुर जी मिला करेंगे और तुमको कनिष्ठ अंकुल पर उठाएंगे, सात दिन तक सारे ब्रजवासी तुम्हारे नीचे आश्रय ग्रहण करेंगे, कृष्ण तुम्हारे ऊपर गैया चराएंगे, झरना का पानी पिएंगे, रास करेंगे, कुंजो कुंज में मिला करके कोई चिंता मत कर। ये एक कथा। दूसरी कथा आती है, एक पुलस्त ऋषि थे, एक समय भ्रमण करते करते पहुंचे पर्वत के पास में और उन्होंने देखा गिरिराज जी बड़े सुंदर, गिरिराज जी बड़े सुंदर झरना है, बड़े सुंदर गुफाएं हैं, बड़े सुंदर फल फूल, बड़े सुंदर मानसी गंगा राधा कुंड श्याम कुंड, बड़े सुंदर सरोवर। बोले अगर किसी तरह से वो पहले रहते थे काशी में, पहले काशी मरुभूमि जैसे था, कुछ नहीं वहां पर, बोले संत लोगों को पानी पीने के लिए कोई स्थान नहीं, भजन के लिए कोई हरी भरी स्थान नहीं, बोले अगर ये गिरिराज को यहाँ उठा करके ले जाओ संत लोग भजन करेंगे। तब उनने पिता माता को बोले उनके, बोले तुम्हारी बेटे को दे दो, मैं ले जाना चाहता हूँ काशी, अगर कोई आपका घर में आए बोले तुम्हारी बेटे को दे दो, आप बेटे दे दोगे। बोले ये कैसे ऋषि है, कहते बेटे को दे दो, बोले अगर मना कर दूंगा तो अभिशाप दे देगी, उन्होंने बात को घुमा दिया। बोले आप बेटे को पूछ लो ना जाएगा कि नहीं, बोले मेरे साथ में चलो। बोले देखो मेरे दो शर्त है, पहला शर्त है मैं चल करके नहीं जाऊंगा, मेरे को हाथ में उठा करके ले जाना पड़ेगा, दूसरा शर्त है अगर बीच में मेरे को कहीं रख करके आप अपवित्र हो गए फिर से वहां से नहीं जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं। पुलस्तरिषि ने एक हाथ में पूरा टुकड़ा गिरिराज उठा ली, उठा करके चलते चलते अभी यहाँ पर गिरिराज है, जब वहीं पर पहुंचे गिरिराज जी भगवान बांके बिहारी जी से प्रार्थना की, बोले ठाकुर जी आपकी सेवा करने के लिए मैं गोलोक वृंदावन में आया, पता नहीं ये ऋषि मेरे को काशी फांसी देने ले जा रहे, क्योंकि जो काशी वो ज्ञानियों का स्थान, वहाँ भक्तों का स्थान नहीं है, जो भगवान को निराकार निराकार बोलने वाले वो बड़े सुखा जीवन है, ब्रज रसमय जीवन है ब्रज भूमि, मैं तो आपके चरण की सेवा करना चाहता हूँ, मेरे को कृपा करके यहीं पर रख दो। जब बोले भगवान अपना माया को बुलाए, इतने जोर से पुलस्त ऋषि की लघु संख्या लगी, उन्होंने भूल गए मैंने क्या प्रतिज्ञा की, उन्होंने गिरिराज रख लिया, रख करके जब वो बात रूप करने बैठे ना घंटे तक बात होगी खत्म नहीं हो। बोले ये क्या हो गया, बात घंटे तक भी खत्म नहीं हो रहा है, जब बड़े समय के बाद में बात खत्म हुई, जब गिरिराज को उठाना चाहे ना, बोले नहीं आपने क्या प्रतिज्ञा की थी,
कहीं अगर बीच में उतार करके अपवित्र हो जाओ तो मेरे को उठाना नहीं, आप एक घंटे तक पेशाब करने में बैठे हो, इसलिए यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। तब उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले मैं तेरे को अभिशाप देता हूँ, तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे और तीन तीन करके खड़े होते रहोगे। तब उन्होंने बोले मैं तो इसलिए यहाँ पर रहना चाहता हूँ, यहाँ पर रात ठाकुर जी आए के अपना सखा सखियों को लेकर लीला करेंगे, ठाकुर को सेवा करना चाहता हूँ। वो आने से पहले अगर मैं खड़े हो गया फिर तो ठाकुर को सेवा कैसे करूँ, मेरे को इतना आशीर्वाद दो जब तक ठाकुर जी नहीं आते हैं तब तक मैं पूर्ण रूप में रहूं। ठाकुर जब लीला करके चले जाए अभिशाप लागू हो, बोले तथास्तु बोल दिए। इसलिए आप देखोगे ना गिरिराज जी वो धीरे 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 नीचे जा रही है, ये गंगा भी धीरे धीरे जब घोर कलयुग आ जाएगा ना ये गिरिराज जी भी नहीं रहेगी, यमुना नदी भी नहीं रहेगी, गंगा भी धीरे 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 सूख जाएगी, धीरे धीरे भी नहीं रहेगी जगत में। ये कलयुग है ना देश देश में अभी सुन रही ना यूक्रेन रशिया युद्ध हो रही है और किसी देश में युद्ध चढ़ गया, इसलिए ये कलयुग मतलब यहाँ कलह लड़ाई के सिवाय कुछ है ही नहीं। इसलिए क्या करो अभी तो थोड़ी सी गंगा जमुना और गिरिराज आप थोड़ा कथा सुनने के लिए आ रहे हो, आप लोग देखे ना कुछ दिन बाद में अभी जो नए जनरेशन आ रहे हैं ना लड़का लड़कियाँ ये कोई कथा सुनने नहीं आएंगे, कोई इंटरनेट देखते रहेंगे, स्मार्टफोन चलाते रहेंगे, घर में बैठ कर टीवी देखेंगे, इनकी भगवान के ऊपर में कोई विश्वास नहीं कर जाएंगे। आप देख लो तुम्हारी अंदर में तो थोड़ा भक्ति है, घर में बच्चों के अंदर में भक्ति है, देख लो तुम्हारे घर में बच्चों को इनके अंदर में कोई श्रद्धा भक्ति कुछ भी नहीं, धीरे धीरे और इनके जब बच्चे होंगे नास्तिक बन कर जन्म जो सबके सब सब नास्तिक बन करके जन्म लेंगे। इसलिए भैया जितने जल्दी पारो भगवान की भजन करो और ठाकुर के पास में चल जाओ, भगवान के पास में चल जाओ जितने जल्दी हो। शास्त्र में वर्णन आया है माताएं अपना बेटे को काट काट कर खाएगी, ये पुराण में कथा आती है। इतने भयंकर समय आने वाले भयंकर समय आएगी, मार मार काट काट वर्णन लग जाएगी। इसलिए भैया जितने पारो हरि नाम जल्दी करो, संसार से उधार होकर के ठाकुर के पास में चले जाओ। इसलिए अभी गिरिराज गोवर्धन धीरे 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 ये गिरिराज गोवर्धन इतने खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी, धर्म धर्म जगत में कुछ भी नहीं रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी। देखो कलयुग में पहले एक असती नारी मिलना कठिन होता था, है कि नहीं? पहले एक असती नारी नहीं मिलती थी, लेकिन कलयुग में देखोगे एक सती नारी मिलती है, क्योंकि पहले क्या होता था माताएं थोड़ी लिखी पीड़ी हो गई घर में रहो अपना घर का सिता देखो नहीं, अभी तो ज्यादा लिखा पढ़ा सीखेंगे कलेज स्कूल जाएंगे चरित्र नष्ट हो रहा है सबके साथ। इसलिए यहाँ पर उन्होंने अभिशाप दे दिए, इसलिए कभी गिरिराज की है दो कथा ये गिरिराज गोवर्धन में क्या आती है, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जोर से बोलो बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। अभी गिरिराज की कथा सुनो, एक समय मैया जसोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ सूजी की हलवा कढ़ी बड़ी सुंदर बना रही थी, इतने में कृष्णा जा कर बोले मैया मैया ये रात भर इतने सुंदर पकवान की बना रही हो, क्या कल मेरी जन्म तिथि है? बोले नहीं लाला। बोले फिर रात भर क्यों बनाती हो, क्या कल दाऊ भैया का जन्म तिथि? बोले नहीं मैया, बोले जल्दी जा बाबा के पास में चले जा, बच्चा है ना इस चीज में हाथ मार देगा झूठा हो जाएगी, बोले बाबा के पास में चले जा। अभी उन्होंने पिता नंद बाबा का गोद में बैठी गई और उन्होंने बाबा की दाढ़ी को पकड़ लिए, बोले पिताजी पिताजी ये मैया रात भर लज्जू कचौड़ी मालपुआ क्यों बना रही है, हैं? बोले बेटा हम सबके सब ग्वाल वाले हैं, हमारे जो मूल धन है वो गोधन है, इसलिए ये गैया की इंद्र की आदेश पर पर्जन्य बारिश करता है, बारिश से घास होता है, घास गैया खा करके दूध देते हैं और दूध से ही हमारी जो मिठाई बनती है छाछ बनती है दही सब दूध से बनता है। अभी भी ब्रज में जाओगे ना कुछ नहीं रोटी और छाछ दूध बस हो गया और किसी चीज की जरूरत नहीं, घर में हर घर में गैया रहनी चाहिए,
बैंस रहनी चाहिए, यही मूल भोजन है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण ने तर्क वितर्क दिए, बोले पिताजी इंद्र पूजा क्यों करते हो, बोले स्वर्ग का देवता। बोले पिताजी इंद्र पितर कुछ नहीं, ये जो गिरिराज गोवर्धन देख रहे ना, ये मेघ आकर के ये गिरिराज में टकराता है और ये बारिश ही होती है, गैया को घास कहाँ से मिलती है, बोले गिरिराज से। बोले आपको पानी कहाँ से मिलता है, बोले गिरिराज से। बोले फल फूल कहाँ से, बोले गिरिराज से। बोले जब सब कुछ गिरिराज से मिलता है, हमारी जो ब्रज की जो प्रत्यक्ष देवता कौन है, श्री गिरिराज बाबा। बोले पिताजी ये बताओ कब से इंद्र पूजा कर रहे हैं, बोले जब से होश आए। बोले इंद्र को खाते हुए देखे, बोले नहीं। बोले पिताजी जब आप श्री गिरिराज की पूजा करोगे, आप देखोगे साक्षात गिरिराज जी प्रकट होकर के सब कुछ ग्रहण करेंगे। आप जो कुछ गिरिराज से मांगोगे, धन दौलत पुत्र परिवार स्त्री जो कुछ मांगोगे, गिरिराज सारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। बोले लाला इन्हीं आंखों से गिरिराज दर्शन होगा। बोले हाँ बाबा। नंद बाबा तो राजी हो गए। बोले कल हम इंद्र पूजा नहीं करेंगे, पूजा किसे करेंगे, बोले गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले गिरिराज बाबा की। बोले धिरा पिटवा दो ब्रज में, कल हम श्री गिरिराज की पूजा करेंगे और गिरिराज स्वयं दर्शन देंगे। जितने ब्रजवासी थे, बोले भैया गिरिराज के लिए हम तो बड़े सुंदर कढ़ी चावल बनवाएंगे। दो तरह का कढ़ी बनवाए, कितने तरह के, एक राड कढ़ी और एक सुहागिनी कढ़ी। राड कढ़ी बगैर पकड़ के और सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़े डाल करके बनाए। आप बताओ कौन सा कढ़ी लेकर के आए हो, कढ़ी लाएगी नहीं कोई, कौन कढ़ी लाए हो, सुहागिनी राड कढ़ी लेकर के आए हो, सुहागिनी कढ़ी। दो तरह के चूरमा बनाए, राजस्थान की कोई क्या है, राजस्थान में कोई भी नहीं हो, इसलिए दो तरह का चूरमा बनाए, एक रोना और एक हंसना। रोना मतलब जिसे भी टपकना है, हंसना मतलब पतलम रखते जो खिल जाए। बोले चार तरह का चावल बनवाए, एक फीकी चावल, एक मिट्टी चावल, एक मटर पनीर डाल करके हैं, एक मटर पनीर डाल करके और पीली, इसलिए चार तरह का तो चावल बनवाए। और जितने तरह का दाल बन सकती है, मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल हैं, जितने तरह का दाल बना सकते हैं दाल बनवाए। और रबड़ी महाराज, रबड़ी भी बनवाए, ये ब्रजवासी लोग रबड़ी खाने में बड़े मस्त है, इसलिए रबड़ी भी बनवाए। और जितने तरह का ड्राई फ्रूट, जितने तरह का फल फूल, और वहाँ पर इतने लोग लाए, ब्रज में कितने गाँव अभी भी देखोगे, ब्रज में 365 गाँव है अभी भी, करौली बरौली सही ऊंचा गाँव हम मार, और वहाँ पर नंदगांव बक्षना अभी भी 365 गाँव देखोगे। इतने प्रसाद लेकर के आए, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। कूट मतलब होता है क्या, पर्वत, जैसे पर्वत किसकी पर्वत, रोटी की पर्वत, जलेबी की पर्वत, पकौड़ का पर्वत, सभी का पर्वत, पूरा पूरा पर्वत बन गए। इतने में कृष्णा अपना हाथों से पंचामृत के द्वारा गिरिराज को उन्होंने अभिषेक करवाया और जितने भोजन लाए थे ना सबको पर ने तुलसी पत्ता रख लिया, चावन धोल सब करते तुलसी पत्ता रख लिए, सभी कंत्र में तुलसी पत्ता रख करके उन्होंने गिरिराज की आह्वान किया। ठाकुर जी को पहले उनकी एक आसन दिया, ठाकुर जी की चरण में उन्होंने फूल दिए, ठाकुर जी को हाथ धोए, धो करके उन्होंने गिरिराज की आह्वान की और हे गिरिराज गोवर्धन आप कृपा करके सबके सब स्वीकार करो। मेरे तरफ में देखो, इधर देखो, देखो ठाकुर जी को कैसे भोग लगता है, ये चीज को देख लो। नियम है ठाकुर जी को भोग तभी लगता है गोपाल मंत्र से भोग लगता है, जो मंत्र भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा नारद जी को दिए, नारद व्यास देव को दिए, और गुरु परंपरा से वो मंत्र जी जगत में आते हैं, जिसका नाम गोपाल मंत्र कहते हैं, कृष्ण मंत्र गोपाल मंत्र। वो मंत्र को मेरे तरफ में देखो, इसको 10 बार जप करना पड़ता है, जैसे 1 2 3 4 5 6
सात आठ नौ दस, ये मूल मंत्र है। ये सीधा हाथ को नीचे करके उल्टा हाथ को यहाँ रख करके खाने के ऊपर में जब ये गोपाल मंत्र पढ़ते हो तभी ठाकुर भोग लगता है, ये नियम है। इसलिए जो लोग हमसे दीक्षा मंत्र लिए हैं, हरिनाम दिए हैं, उन लोगों को गोपाल मंत्र हम दिया है। आप लोग जो पैसे जो नीम माला लिए हो कोशिश करना ये माल धीरे धीरे प्याज लहसुन को छोड़ने के लिए जब छोड़ देते हैं फिर कभी तुलसी माला फिर हम गोपाल मंत्र देते हैं, फिर जब इसको अच्छे तरह से करते फिर काम गायत्री देते हैं फिर महाप्रभु का मंत्र तभी मिलता है। उसी मंत्र से ही ठाकुर जी की भोग लगता है, गोपाल मंत्र से, नहीं तो इसी मंत्र के बगैर ठाकुर को भोग नहीं लगता है। हम तो ठाकुर को सामने दही से रख लेते हैं। और एक चीज समझो, जिनके गले में तुलसी कंठी नहीं है, जिनके गले में तुलसी कंठी नहीं है, आप कोई भी ठाकुर का भोग बनाकर लाएंगे नहीं, ठाकुर जी आपके हाथ का कोई चीज खाएंगे नहीं। क्योंकि जो शरीर है कहते खिति जल पाप गगन समीरा पंच रचित, तो ये अधम शरीर है। शरीर में क्या है, ताकती पेशाब खून पी और क्या करें, कुछ तो है ही नहीं। इसी शरीर से ठाकुर को सेवा नहीं होता है। जैसे ठाकुर को सामने खाने के ऊपर तुलसी पत्ता देने से कभी ठाकुर को भोग लगता है, जब तक कोई गले में तुलसी कट्टी नहीं पहने। हमारी वैष्णव धर्म कहता है तुम कोई भी चीज ठाकुर को छूने का अधिकार नहीं, कोई चीज छो भी दिया ना वो पवित्र हो गया। हमारे वैष्णव जगत में जिनकी गले में तुलसी कट्टी नहीं कोई चीज छूने नहीं देते, बोले नहीं कोई चीज तुम छो नहीं, ठाकुर का सेवा की चीज छो नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे गले में तुलसी कट्टी है नहीं। इसलिए मैंने उसी दिन कथा सुनाया था ना, जब नारद जी आए वो पति पत्नी के घर में, उन्होंने जब उन्होंने नारद जी को भोजन करवाया, नारद जब देखा गले में कंठी तिलक नहीं, उन्होंने उल्टी कर दी, बोले अवैसा तो है इनके हाथ में खा कर मेरा धर्म नष्ट हो गया। फिर उन्होंने नारद जी से कंठी और उन्होंने तिलक लिया तभी उनकी भोजन किया, और पति ने नहीं लिया तो उन्होंने क्या की, पति को दूर से फेंक करके पानी दी। लेकिन पति लेना चाहते थे, कुछ लोगों बोले अभी नहीं बाद में लेना, लेकिन लिया नहीं तो अग्नि जीवन में हाथी जन्म में गए। इसलिए शंकर जी कहते हैं जो ये कृष्ण मंत्र में दीक्षित नहीं है, शंकर जी कहते हैं बोले पशु ज्योतिम अपनवार, अगली जीवन में उसको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए वो जो ब्राह्मणी थी वो तो राजकुमारी बन करके जन्म हुआ, पति हाथी बन कर जन्म लिया। अगर चाहते हैं हम पवित्र बने, भजन करना चाहे, क्या करो, गले में तुलसी कट्टी धारण करो और तिलक लगाओ और भगवान की भोग लगाओ, ठीक है ना। इसलिए सही सही भजन करे तो सही सही भजन करो, ऐसे नहीं दिखाने के लिए नहीं, सही सही प्रॉपर रास्ता में हमें जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भगवान को तुलसी पत्ता देकर भोग लगाए। जब उन्होंने गिरिराज को उन्होंने अर्पण किया, साक्षात गिरिराज जी प्रकट हो गए, बोले गिरिराज महाराज की जय। इतना विशाल रूप लेकर के प्रकट हो गए गिरिराज जी, बोले देखो मैं गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न की दाना जो मेरे सेवा में लगाया मैं वरदान देता हूँ, कभी किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी, माँ लक्ष्मी घर भरपूर रहेगी। अगर ये गिरिराज को जो अनादर करेगा, गिरिराज जी कहते हैं जो ये गिरिराज को अनादर करेगा जन्म जन्मांतर में भीख मंगा होकर घूमते रहेगा। इसलिए उन्होंने दोनों हाथ को पसार पसार करके सब कुछ भोजन कर रहे थे, सब कुछ उन्होंने खा लिया, बोले आनोरे आनोरे। गिरिराज गए, पहला जो गांव आएगा उसका नाम आनोर ग्राम है, वहीं पर गिरिराज की अर्णकुट हुई थी। इसलिए बोले आनोरे और ले आओ, एक और ले आओ। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब ब्रजवासी, आप इतने ही संतुष्ट हो जाओ। फिर उन्होंने उनको पानी दिए, फिर उनको तांबूल प्रदान किए, और इतने में कृष्ण तो सब भोजन कर लिया। कृष्ण का एक सखा था जिसका नाम था मधुमंगल, वो ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग थोड़ी सी भोजन प्रिय होते हैं। बोले कन्हैया तेरे ठाकुर के बड़े भूखे ठाकुर है, एक कृपा पीछा भी रखने सबके सब भोजन कर लिया। जब हम इंद्र की पूजा करते थे वो प्रसाद बचता था, हम तो एक महीना तक वो सूखा प्रसाद खाते थे, ये गिरिराज सबके सब खा लिए।
भैया अगली बार करेंगे गिरिराज की पूजा नहीं करेंगे, पूजा तो इंद्र की करेंगे। कृष्ण ने बुलाए हमारे गिरिराज भाई से, मत समझे आंख बंद करो, सबके सब आंख बंद करो। आंख बंद किया तो गिरिराज जी अपना हाथ को घुमा दिया, जो 1 किलो रसगुल्ला लाए थे ना हो गया 2 किलो, जो 2 किलो का सूजी के हलवा लाए थे वो हो गया 4 किलो हो गया, जो 5 किलो का है चुपचाप, इसलिए जो 5 किलो का हलवा वो 10 किलो हो गया, डबल डबल हो गया। मतलब क्या है, भगवान को खिलाना कभी कभी नहीं पड़ता, भगवान भरपूर करके देते हैं। ब्रजवासी तो सरस उठते, बोले भैया आप तो थक ही गए, क्यों पता ही नहीं चला डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो पहले से थोड़ा और ज्यादा कर लिया कर आते हैं। इतने में कृष्ण ने कहा भैया चलो भोजन करो, और सबके सब गिरिराज की हम परिक्रमा लगाए, गिरिराज की परिक्रमा लगाएगी। देखो ठाकुर स्वयं ब्रजवासियों को लेकर के उन्होंने गिरिराज की परिक्रमा लगाई। सबसे पहले कौन चल रहे थे, बोले ब्राह्मण संत, उसको पीछे जितने गैया चल रहे थे, उसको पीछे जितने पुरुष ब्रजवासी, और सबसे पीछे ये गोपियां चल रही थी। लेकिन जब परिक्रमा करते करते थोड़ी दूर गए, राधा रानी सबसे पीछे चल रही थी, कृष्ण थे बीच में। राधा रानी सोच रही है अगर कृष्ण मेरे मन की भावना समझते हैं, अगर कृष्ण मेरे को प्रेम करते हैं, मैं चाहता हूँ कृष्ण मेरे को स्पर्श करे। अब राधा जी के मन की भावना समझ गए, कृष्ण सोचे राधा रानी तो सबसे पीछे मैं बीच में हूँ, फिर राधा रानी को स्पर्श कैसे करूँगा। इतने में कृष्ण एक बछड़े का मुंह पीछे करके उन्होंने पूछ को एंड दिया, इतने में वो जो बछड़ा था फुदकते हुए पीछे पहुंच गया। कृष्ण बछड़े को निमित्त बना करके पीछे आए, और आकर के राधा रानी को उन्होंने स्पर्श कर लिया। राधा रानी का हृदय के प्रेम में गदगद हो गया। फिर जब थोड़ी दूर गए, फिर राधा रानी सोच रही है कृष्ण क्या मेरे को थोड़ा दर्शन देंगे। बोले भैया दर्शन कैसे दे, मैं तो बीच में हूँ, कृष्ण पीछे राधा रानी पीछे। इतने में कृष्ण जो गैया चरण का लपुट थी, वो लपुट को उन्होंने ऊपर में फेंक करके, जब उसको लपुट को छलांग लगा करके जब उसको पकड़ने के लिए गए, कृष्ण का 2 आंख और राधा जी का 2 आंख मिल करके 1 हो गया। राधा रानी प्रेम में गदगद हो गई, एकदम प्रेम में गदगद हो गई। लेकिन और परिक्रमा करते करते थोड़ी दूर गए तो फिर राधा रानी सोच रही थी क्या कृष्ण मेरे को और एक बार दर्शन दे, बोले कैसे दर्शन दे। इतने में कृष्ण की जो गैया चरण का लपुट है वो हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था। इतने में कृष्ण लपुट को उन्होंने ऊपर कर दिया, ऊपर कर दिया तो कृष्ण का जो परछाई वो जो हीरे जवाहरात ऊपर में प्रतिबिंब हुआ, और इधर जो कृष्ण राधा रानी वहीं से ही उन्होंने कृष्ण की परछाई को दर्शन करके, प्रतिबिंब को दर्शन करके खुश हो गई। कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज की परिक्रमा लगाए, और सब लोग प्रसन्न होकर के गिरिराज की पूजा की, और जिसकी मन में जो भी इच्छा थी, इसको पुत्र परिवार स्त्री धन दौलत गिरिराज सबकी इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए आपके मन में भी जो इच्छा हो गिरिराज से मांग लेना, गिरिराज सब इच्छा गिरिराज जी पूरी करेंगे। और गुरुदेव कहते थे जो मांगना तो मांगो, लेकिन एक चीज जरूर मांगो, इनकी भक्ति और इनकी प्रेम मांगो, क्योंकि भक्ति अगर प्रेम मांग लिया ना ठाकुर जी वशीभूत हो जाते हैं, ठाकुर जी प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। इसको अभी बीच में रख लीजिएगा, और थोड़ी दूर लेकर के सब लोग इसको 4 बार परिक्रमा लगाना, कितना बार 4 बार परिक्रमा लगाना, ठीक है। और देखो जो कल है, कल कथा का विश्राम का दिन है, कल कितने बजे कथा होगी, 9 बजे सवेरे कथा होगी, 12 बजे कथा की विश्राम हो जाएगी, उसको बाद में यज्ञ होगी। यज्ञ के लिए अगर कुछ स्थापना सामग्री, नहीं तो थोड़ी घी शुद्ध घी, नहीं तो गोला, जो कुछ लाना अब ला सकते हो। कल जो यज्ञ होगी स्पेशल यज्ञ है, और नारायण कवच का मंत्र से, नरसिंह भगवान की मंत्र से, जैसे श्री प्रभु जी प्रभु, इसलिए जो नरसिंह भगवान की जो कवच का जो यज्ञ है, जैसे प्रह्लाद ऊपर में बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन नरसिंह देव हर तरह से रक्षा किए, वो यज्ञ में आहुति देने पर घर में जितने दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे।
और जो नारायण कवच का जो यज्ञ है ये इंद्र के ऊपर भी बड़ी बड़ी विपत्ति पड़ी थी, लेकिन इंद्र ने ये नारायण कवच पढ़ करके ही मुक्ति हुई है। इसलिए वो नारायण कवच के द्वारा ही यज्ञ होगी, जिसको करने से जीवन का सारे दुख कष्ट विपत्ति सारे ग्रह पीड़ा खत्म हो जाएगी। इसलिए कल जरूर कथा में आना, क्योंकि जो अंतिम समय का कथा जो सुन लेते हैं, कोई आधा में आए, कोई लास्ट में आए, कोई दो तीन दिन कथा सुने, लेकिन कल की कथा सुनने से सात दिन कथा सुनने का फल आपको मिल जाएगा। और कल श्री कृष्ण रुक्मिणी की शादी भी होगी, इसलिए कल आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आना, लाल कपड़े, ठीक है, जैसे शादी में जाते हैं ना, ऐसे नहीं घटिया कपड़ा पहन करके आना नहीं, कल जैसे शादी में जाते हो ऐसे चमक धमक कपड़ा पहन करके आओ। क्यों? कल भारतीय बिहारी की शादी है ना, ठाकुर की शादी में आओ, साधारण बात छोड़ी हो, और जितने भैया लोग भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आना, क्योंकि कल ठाकुर जी की शादी होगी। और कल सुदामा की चरित्र है, आप लोग घर से थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के आइए, क्योंकि कथा के बाद में मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा चावल दूंगा, उसको लाल कपड़े में बांध करके एक सिक्का रख करके कहते ठाकुर जी के घर में रखने पर घर में लक्ष्मी टिकी रहती है, घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाती है। जैसे सुदामा का दो मुठे चिड़वा खाए त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दिए है, इसलिए इसकी बड़ी महत्व है। और रुक्मिणी की शादी में अगर कोई साड़ी ला सकते हो अच्छे साड़ी, पर यहाँ वृंदावन में श्री राधा रानी को पहनाएंगे, अगर जो देना चाहते हो अब ला सकते हो, अभी ठाकुर जी की ले जाओ, ये गिरिराज को बीच में रख लो, सबके सब परिक्रमा करना, सबके सब खड़े हो जाओ, खड़े होकर सबके साथ गिरिराज के भीतर में नृत्य करना, प्रभु जी का बोले श्री गिरिराज महाराज की ले ले बोले गिरिराज महाराज की मैंने कभी तो बोलू छप्पन भोग का महाराज पूजा करते हैं दो वर्ष में महाराज देखो महाराज के छप्पन भोग को कैसे भैया अरे और मुँह में तो पानी आ गया देखे छप्पन भोग Thank you.
Thank you.